हम लोगों का अभी इन्वायरमेंट में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहे थे पर्यावरण पर, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं, तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट देखे थे। अब आगे कुछ आज और इम्पॉर्टेंट देखेंगे। तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, अर्थ समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। अर्थ समिट हुई थी 1992 में। अब दे इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो अर्थ समिट हुई, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। अब मैंने आपको बैकग्राउंड का सारा पढ़ाया हुआ है, तो आप बताइए कि 20 साल पहले कौन सा हुआ था। ठीक है, यूनिप मैंने आपको पढ़ाया था 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में। तो 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उसकी 1992 में ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो, है ना, उसके शहर में ये अर्थ समिट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। रियो सम्मेलन इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुई। हालांकि इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो मैं आप फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में क्या हुई, अर्थ समिट हुई, है ना, और इसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, और इसका वैसे नाम है UNCED। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और कई नए दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को जारी किया गया तथा कुछ नए संगठन अस्तित्व में आए। तो देखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो क्लाइमेट चेंज पर बात हुई, बायोडाइवर्सिटी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी घट रही है, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर बात हुई, और कई नए डॉक्यूमेंट्स जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने हैं उनको जारी किया गया, और कुछ नए संगठन अस्तित्व में आए। जिन नए दस्तावेजों को जारी किया गया उसमें मुख्य दस्तावेज, अब देखिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुए, तो पहला है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। पर्यावरण एवं विकास से संबंधित विभिन्न अधिकारों और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्धारित किया गया। तो देखिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे पास अधिकार है, हमारे उत्तरदायित्व हैं, उनको बताने के लिए कुछ सिद्धांतों का इसमें निर्धारण किया गया। तो क्या डॉक्यूमेंट्स, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र पहला। दूसरा, एजेंडा 21, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, संख्या 21 21वीं शताब्दी को दर्शाती है। तो एजेंडा 21 में 21 क्या है, 21वीं शताब्दी। ये सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक एक्शन प्लान है, मतलब कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या एक्शन अपनाना है, जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करती है। तो वर्ल्ड में जितने भी पर्यावरण संबंधी कार्य हैं सारे क्षेत्रों में, उनके लिए एक हमें समग्र ढांचा प्रदान करती है। तो देखिए, 1992 में हुई अर्थ समिट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, UNCED इसका नाम था, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बने। तो पहला हमने पढ़ा था पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। दूसरा, एजेंडा 21 जो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब वन नियमों पर विवरण। वैश्विक स्तर पर वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए कुछ सिद्धांत का निर्धारण। अब देखिए, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए ये था। इसके अतिरिक्त दो बिंदुओं पर का भी प्रावधान किया गया, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है, इस पर भी, इसका भी प्रावधान किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, UNFCCC। इस संधि का उद्देश्य वैश्विक ताप वृद्धि में कमी लाने के लिए हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना था। तो जो UNFCCC था, इसका मेन मोटिव क्या था कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम कम करें, ठीक है, और जो हम इतनी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी जा रही हैं उसको कम करें। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर प्रत्येक वर्ष सम्मेलन आयोजित होता है। तो इस पे क्या है, एवरी ईयर सम्मेलन करते हैं। ऐसा पहला सम्मेलन 1995 में बर्लिन COP1 में तथा 2019 में सेंटियागो चिली सम्मेलन इस श्रृंखला का 25वां कोप सम्मेलन था। तो कोप सम्मेलन होते हैं जिसमें पहला जो हुआ था फ्रेंड्स, वो 1995 में बर्लिन में हुआ था, जिसे COP1 कहते हैं, ठीक है। तो UNFCCC का पहला कब हुआ था, 1995 में, मैं पहले गलत बोली थी, बर्लिन में COP1 कहते हैं।
हम पढ़ रहे थे फिर से 1992 में क्या हुई, अर्थ समिट हुई ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ इसमें और चीज़ें हुई। तो एक एजेंडा 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। वो किस रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है। और एक चीज़ क्या हुई, UNFCCC कन्वेंशन हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है इसको, और हर साल इसका सम्मेलन होगा। और पहला हुआ था 1995 में बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में है, कोप वन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोप अगर आए COP, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो आप मतलब ये याद रखिए कि कोप किस चीज़ से रिलेटेड है। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती एवं अन्य मानकों को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। तो वो मतलब मानक स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं इसमें कि ग्रीन हाउस गैस जो है उनके उत्सर्जन में क्या कमी होगी। ये सब COP26 का आयोजन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में कराया गया। तो देखिए COP26 कब हुआ, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम UK में हुआ। COP26 ग्लासगो में हुआ UK में, ये याद रखिएगा। कोप वन कहाँ हुआ था, 1995 में बर्लिन जर्मनी में, ये चीज़ें याद रखिए। फर्स्ट लास्ट हमेशा याद रखिए कब हुए थे। और आगे क्या हुआ इसमें, जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ठीक है। अब देखिए कभी आ जाता है CBD, UNFCCC, तो ये सब आपको ये याद आना चाहिए कि ये जो हमारी अर्थ समिट हुई थी उसमें आए थे। तो 1980 के दशक में UNEP के सदस्यों ने जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित एक विस्तृत ड्राफ्ट बनाया। तो 1980 में क्या हुआ, UNEP के जितने भी मेंबर थे उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक ड्राफ्ट बनाया। यही ड्राफ्ट 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न देशों के सामने हस्ताक्षर के लिए रखा गया। तो इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था वो अर्थ समिट में इन्होंने सबके देशों के सामने रखा साइन करने के लिए। यही हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैव विविधता पर सम्मेलन CBD कहलाया। तो ये आगे क्या कहलाया, CBD। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य और इससे संबंधित प्रयास, तो जो हमें आपको बता रही थी, ठीक है, CBD, तो इसके क्या हैं प्रयास, क्या है, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण करना है। कोप सम्मेलन IG लक्ष्य है इसमें। जैव तकनीक का सतत और सुरक्षित उपयोग, तो जैव तकनीक जो है, ठीक है, उसका सतत और सुरक्षित उपयोग करना है। इसके लिए कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आया, ये मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी ये सब क्या है। हाँ, और अनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का युक्तियुक्त वितरण, नगोया, देखिए जो भी अनुवांशिक संसाधन होते हैं उनसे जो हमें लाभ मिलते हैं उनका कैसे वितरण हो, ये सारे इस पर था। तो इसके लिए आया नगोया अनुवांशिक संसाधनों पर प्रोटोकॉल। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस रिलेटेड है, तो वो जैव तकनीक पर सतत और सुरक्षित उपयोग से रिलेटेड है, ठीक है। फिर से रिवाइज करेंगे, अर्थ समिट 1992 में हुई ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, UNCED बोलते हैं। इसमें बहुत सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वगैरह आए, कुछ संगठन अस्तित्व में आए। तो इसमें आया पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पर, एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वन नियमों पर विवरण आया, ठीक है, UNFCCC आया। इसके 1995 में बर्लिन में कोप वन हुआ, हर साल इसके सम्मेलन होंगे, ये ग्रीन हाउस गैस की कमी से रिलेटेड है, ठीक है। ग्लासगो UK में COP26 हुआ, थोड़ा सा आपको देखिए बार बार रिवाइज करके ही याद होगा। CBD आया, ठीक है, जैव विविधता पर सम्मेलन, इससे कुछ और रिलेटेड इससे चीज़ आई, जैसे जैव विविधता संरक्षण पर आया कोप सम्मेलन, IG लक्ष्य, जैव तकनीक पर सतत और सुरक्षित उपयोग के लिए कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, और अनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का जो वितरण है उसके लिए नगोया प्रोटोकॉल आया। अब आगे देखेंगे, मतलब इसको डिटेल में, जो जैव विविधता पर सम्मेलन CBD हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड आया था कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे ये क्या था। देखिए 29 जनवरी 2000 को जैव विविधता पर सम्मेलन CBD के पक्षकार देशों ने कोलंबिया के कार्टेजेना नामक स्थान पर एक पूरक समझौता किया, जो जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना समझौता कहलाया। तो देखिए 2000 में क्या हुआ था, 2000 में CBD जैव विविधता पर CBD का सम्मेलन हुआ था। तो उनकी जो पार्टीज थी उन्होंने कार्टेजेना कहा है कोलंबिया में एक समझौता किया, कार्टेजेना कहा है कोलंबिया में, जो क्या कहलाया, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना समझौता कहलाया। 11 सितंबर 2003 को यह समझौता प्रभावी हुआ, तो 2003 में ये प्रभावी हो गया। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक जैव तकनीक के प्रयोग से
उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना है। तो इसका इस प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी मतलब देखिए बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा अपने साइंस में, तो उससे जो खतरे हो सकते हैं जैव विविधता को उसकी रक्षा करना है ना, इसके अलावा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी इस हानि से बचाना। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, है जीन रिलेटेड चेंज होते हैं, तो उससे क्या है जो भी ह्यूमन हेल्थ है, पर्यावरण है, उसको हानि से बचाना है। ये प्रोटोकॉल विभिन्न देशों के बीच जीवित संवर्धित जीव LMO के आयात निर्यात की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधित मानक तय करता है। जीवित संवर्धित जीव सामान्य अर्थ में अनुवांशिक संवर्धित जीव हैं। देखिए क्या हो, ये क्या है जो भी कि जो मतलब जो अनुवांशिक रूप से जीन होते हैं हमारे अंदर, तो जीन में चेंज करके क्या है जो जानवर होते हैं उनके लक्षणों में चेंज किया जा सकता है। तो जो भी अनुवांशिक संवर्धित जीव हैं उनके मतलब तो जो भी LMO है उनके आयात निर्यात और सुरक्षा संबंधी मानक तय करता है ये, ठीक है। तो मतलब जो भी जिनका मतलब चेंज किया गया है जेनेटिकली, उनका सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, उनका आयात निर्यात ज़्यादा तो नहीं हो रहा है तो, या फिर उनसे रिलेटेड सुरक्षा संबंधी स्टैंडर्ड ये तय करेगा। जीवित संवर्धित जीव यानी लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स के निर्यातकर्ता देश को उसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आयातकर्ता देश को देनी पड़ती है। अब देखिए अगर कोई LMO है मतलब कोई मतलब संवर्धित जीव है उसका किसी देश को निर्यात कर रहा है तो ऐसे जीव का, तो उसे बताना पड़ेगा कि हमने इसको चेंज किया है, ठीक है, जानकारी देनी पड़ेगी। इसके बाद आयातकर्ता देश के ऊपर निर्भर है कि वो उन्हें खरीदे या ना खरीदे, तो वो डिपेंड करेगा कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। इसके अलावा भी निर्यातकर्ता देश को जैव तकनीक के प्रयोग से बनाए गए उत्पादों से संबंधित कई जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ती है। तो अगर कोई देखिए इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट आता है इस चीज़ का तो उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जो इसको निर्यात कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तक हम पढ़ेंगे तो एक बार और रिवाइज करते हैं। अर्थ समिट हुआ 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, जिसे UNCED भी कहते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट इसमें आए, जैसे कि एजेंडा 21 सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, UNFCCC आया जिस 1995 में बर्लिन में इसका COP 1 हुआ, COP 26 हुआ ग्लासगो UK में, तो ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। इसके बाद CBD आया, ठीक है, CBD सम्मेलन हुआ, तो इसमें भी कई आगे CBD सम्मेलनों में कई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, जैसे कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आया जो किससे जो 2003 में प्रभावी हुआ 2002 में, ठीक है, इस पे साइन किए गए और 2003 में प्रभावी हुआ। तो ये किससे रिलेटेड है, जो भी मतलब जो भी जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिलेटेड है, उनके आयात निर्यात पर मानक बनाता है, ठीक है। यह जैव तकनीकी का सतत और सुरक्षित उपयोग पर रिलेटेड है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम और देखेंगे नगोया वाला डिटेल में देखेंगे, और भी अभी इसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ये सब हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप ये वीडियोस लाइन से देखेंगे तो आपको बहुत से समझ में आएगा कब क्या आया और उसमें भी क्या आया है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे, और इतनी बार मैं रिवाइज करा देती हूँ तो आई होप कि आपको याद हो जाता होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।